तो इनकी जो कहीं हल जोत रहे थे तो इनके कढ़ाव लग गया था, मिल गया सोना, सोना बस सोना घिन्नी सीन जाने क्या क्या था सब भरा खजाना ही है वो। पूरब को घेर लगा था, बहुत तगड़ा फाटक था, बहुत बड़ा, जैसे जे नखा और जे नखा दोनों के बाल बहुत भारी थे। अपना सब ऐसी निकट्टू थे सब ऐसी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज के इस ब्लॉग में बहुत महान यूट्यूबर असीम भाई, शब्बर भाई, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मूँगफली की पार्टी चल रही है, टाइम आप देख के हैरान हो जाएंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:10 रात के, और यहाँ पर इस तरीके की पार्टी पता है क्यों हो रही है? कल है शादी हमारी खाला जान की, आप सब लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी जोड़ी को सलामत रखे। ब्लॉग बस यही है कि थोड़ी सी बस इन लोगों से हंसी मजाक करना है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग कहते हैं कि ब्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं है, दम नहीं है, ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। तो भाई हम पैदाइशी ब्लॉगर नहीं हैं, अभी बन रहे हैं, बन जाएंगे बन जाएंगे, तो उसके बाद में फिर आप लोगों को यही एंटरटेनमेंट लगने लगेगा। ये वीडियो आप मेरी 2 के बाद देखोगे तो हंसोगे, है ना? क्यों अरफत भाई? यार ये, लेकिन इंशाल्लाह वो दौर भी आएगा जब आप मेरी इस वीडियो पे 2 के बाद भी आओगे, 2024-25 में आप लोग ये वीडियो देखोगे, उस वक्त हमारी वीडियो अल्लाह के हुक्म से मिलियंस जाती होंगी। तो अभी स्टार्टिंग है, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो आगे मामला बढ़ेगा, तभी तो क्वालिटी में दम आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा। तो अब इन लोगों के साथ में बैठ के गपशप कर लेते हैं, और आप लोगों को पसंद भी आता है, और आप लोग समझदार बहुत हैं, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं। तो चलो अब बातों ही बातों में सब मूंगफली निकल जाएंगी, ये पूरी थैली खत्म कर गया भाई साहब। बहुत तेज हाथ चल रहा, बहुत तेज। और ये आदमी कह रहा था कि मैं बस एक दो ही खाऊंगा। कौन सा आदमी कह रहा था? ये वाला, जिस दिन कबाब लगे थे उस दिन भी कह रहे थे 2 कबाब के लिए ठंड में मरवा दिया। और भाई साहब सीखो की सीख है, मैं लोहे तक की खान की सोच रहा था। ये पेट से इतना गरीब है कि मतलब 4-6 चीजें इसके साथ चलती हैं। ये जग देख रहे हैं आप, टॉफी होगा, पानी पीने के जग में टॉफी भर कर आया अगला। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हम चाय बना के फारिग होके वापस जा रहे हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तुमने देखा यहाँ पे अंग्रेजों को उस टाइम? अंग्रेजी जमाना था, जब देखा अंग्रेज भाग गए थे पहले। अच्छा, गांधी जी के ज़माने में थे तुम? बंटवारा हुआ था। पैदाइश कब की इन्होंने तुम्हारी? अब मुझे समझ लो मैं 74 में हूँ। 74 साल के हो गए, तो जोड़ लो तो फिर वही आज़ादी के ही टाइम के। हाँ, उसी वक्त की पैदा थे, मतलब देश आज़ाद हो गया था 47 की। हाँ सर, 47-48 की। अंग्रेज थे तो कुछ तो बताते। सख्त हुकूमत थी उनकी बहुत, ये ऐसा करे थे अंग्रेज, ये इलेक्शन लड़े थे जाके नंदन में, सरकार यहाँ बनाते थे, जो जीत जाए था वो आए के हिंद सरकार चलावे था। तो इलेक्शन हूँ लड़े करे थे कि हिंद का आदमी सीख ना जाए इलेक्शन लड़ना। अच्छा, यहाँ पता ना लग जाए। हाँ, इन्हें पता ना लग जाए। तो अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी उन पर, तो जो जीत जाएगा वो आगे ही हुकूमत करे। पढ़ाइयाँ वढ़ाइए बच्चों को अपने इधर हिंदुस्तान वालों को नहीं देते थे? ना ना, सिर्फ मजदूरी सब मजदूरी। खतरनाक मंदिर हो यार, मैंने सुना कोड़े वोड़े बहुत मारे थे, सजा हुई जाती है, बहुत तंग करे थे, बहुत तंग करा। जब बंटवारा हुआ था तो अपने अपना कोई रिश्तेदार गया पाकिस्तान? बहुत गए, अपना कोई करीब गांव से गए थे अपने ने। ये तो ये गए थे मुख्तार भाई है, मुख्तार भाई गए थे। और ये ताजदीन से चाह गए एक बहुत फिर दिन आए, वो कहाँ बैठे अपने ही नहीं थे। अच्छा, तुमसे पहले थे वो, हिंद से चले गए गुडरिया। अपना लोग ही इमखड़िया के रहने वाले हैं? और ये मतलब कहीं से आए ना, अपना शुरू से यही हो? आए तो थे पंजाब से, राही सब पंजाब के आए हुए हैं। अच्छा, तो अपनी बोली हिंदी क्यों है? बोली हिंदी हुई गई, पैदाश ही हिंद की है, जैसी बोली जहाँ वो वैसे अपना पंजाब। बाजे बाजे मुल्क की बोली ऐसी है, सूबे की अपने मुल्क तो दूसरे मुल्क रह गए, अपने सूबों में ऐसी बोली आएगी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगी, बिहार की नहीं आएगी। हाँ, बिहार है की तो है। हाँ, तो ऐसे हिसाब था पहले, आदमी जैसे जहाँ रहने लगा फिर वैसी बोलने लगा। पंजाब जो पाकिस्तान वाला वहाँ से आए थे क्यों ना? टोटल रही जितने भी मलिक लगाते हैं ये सब पंजाब के रहने वाले मेन है, यहाँ आया के बस गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो बस गया। जुम्मनिया थे इसमें डांग में,
जी सब अपने खानदानी थे। अच्छा, ये जिन्होंने पूरा जमींदारा बना रखा था, बना रखा था। ये जब डॉक्टर का ऐसा हो जाता, ये जब आए थे तो एक भैंसा एक बैल जोते थे। अच्छा, और एक खानदानी अपने इसमें बगबे चले गए थे, ये राइयों का जो घर था। हाँ, राइयों का घर था। हाँ, और थे जमींदार राई, सब टेढ़ी गेढ़ी हो गए। और एक जो अपने इधर ही बस गए थे आज, ये पंजाब से आके बसे थे सब, कोई कहीं कोई कहीं। तो इनकी ये कहीं हल जोत रहे थे, तो इनके कढ़ाव लग गया था, मिल गया सोना। सोना बस, सोना घिन्नी वाली सी जाने क्या क्या था, सब भरा जाना ही है वो। अच्छा। तो वो मतलब कढ़ाव खोद कर लाके जे इन्होंने मकान वकान सब बनवाया था, वो कढ़ाव जंजीरों में डटकर रहा करे था। अब बंद कोठी रखे थे वो, जो जमीन में नहीं रखते थे। हाँ ना, रिंग ना जाए। हाँ नहीं, वैसे ही ना, या हाथी भी तो हो रहे थे डांग में। हाँ, हाथी था उनका, हाथी चले गए थे। इनका तो था हाथी चले गए, हथनी थी। हाँ, हमने देखी थी, वो उन्हीं का ही था। जब बार डॉक्टर का जहाँ वो बना हुआ है, उसके नीचे से हाथी निकलता था दरवाजा। जब बार डॉक्टर का ने जो है इसमें पूरब को गेट लगा था, बहुत तगड़ा फाटक था, बहुत बड़ा। जैसे जे नखा और जे नखा दोनों के बाल बहुत भारी थे, लकड़ी के बने हुए, और बड़ा कामदानी के बाल। हथनी इन्होंने पाली दी, तो वो गद्दारी कर दी उन्होंने हथनी के संग में, मतलब जो पीलवान था, देख रहा था सेवा, वो सारा उसकी खुराक बचा दी, आटा उठा देख रहे थे, रोटी वो बचा रही। तो वो हथनी बिगड़ गई थी, चिंगारी बहुत बड़ी ये काली, अगर जो मिल जाए मुझे तो मार दूंगी इसे। अच्छा, और चिंगार दी रुकी जाएगा अगौड़े झादे में कदी डांग के कदम। तब वो छोटे मियाँ जो थे वो निकले, बोले बोले तूने इसके संग में हरकत करी है, कहीं तुझे रखूँगा भी नहीं मैं। फिर जे गए थे तो हथनी ऐसे कर खड़ी हुई गई थी, चिंगार रही थी बहुत बड़ी। उन्हें देख कर उन्हें मुझे मालूम है तेरी खुराक बचाई है, उन्हें कही मैं ऐसा रखूँगा ही नहीं कभी, तू आओ चल। तो उनके कंधे पर सूंड रख लिया था उन्होंने, और ले आए चलिए। हिल गई थी। हाँ, मालिक को पड़ी थी।